तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज मैं न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ परमानेंट जेल के बारे में। तुम्हारी आईडी परमानेंट जेल क्यों होती है और कैसे होती है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परमानेंट जेल आईडी वो होती है दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो परमानेंट जेल हो जाए तो फिर गाइस इसका ओपन होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। मुश्किल ही क्या, ओपन हो ही नहीं पाएगी दोस्तों आपकी ये जेल आईडी। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जेल आईडी क्यों होती है। सबसे पहले तो आपको भी दोस्तों पता है कि कंपनी का इम्पोर्टेंट रूल है कि इलीगल ट्रांसफ़र। तो इलीगल ट्रांसफ़र तो गाइस कंपनी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती है। वो हमेशा लोगों की आईडी बैन करती रही है, करती भी रहेगी दोस्तों। जो तो आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हमारी आईडी जेल में जाती है दोस्तों। तो जेल एक बारी जेल होगी, दो बारी होगी, तो फिर बाद में दोस्तों परमानेंट जेल होगी ही होगी दोस्तों। जो हम बार बार एक गलती बार बार करेंगे तो कंपनी इसको परमानेंट जेल कर ही देगी हमारी आईडी को। तो आप दोस्तों रूल्स को वॉयलेट मत करें, इलीगल ट्रांसफ़र मत करें, और दो तीन आइडिया बिठा के गेम प्ले मत करें। और चीटिंग वाला सिस्टम भी आपको पता ही है, चीटिंग वाला सिस्टम आपको काफ़ी हद तक आपकी आईडी बैन करवा देता है दोस्तों, रिपोर्ट करा के, आपको पता ही है। तो आप ऐसी गलती मत करें कि लोग आपकी रिपोर्ट करें तो आपकी आईडी जेल हो जाए। तो फेयर गेम खेलें दोस्तों, फेयर गेम में भी एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। आप चिप्स इकट्ठा करने में फिर भी आप लॉस हो ही जाएंगे दोस्तों, आप कितना भी कर लो, या तो लॉस होंगे या तो आपकी आईडी जेल या बैन होगी ही होगी। तो गाइस चलिए चलते हैं इसकी सोल्यूशन की ओर। तो गाइस इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। अगर आपकी आईडी जेल होगी तो आप ऐसे से ओपन करवा सकते हैं, या मैं पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ऑफिशियल लगवा के भी ओपन करवा सकते हो, या आप बाय भी कर सकते हो। जीपे थ्रू आपको मिल जाता है दोस्तों ऑफ़र ये, आप और आपको एक्स्ट्रा चिप्स मिलते हैं। तो आप दोस्तों आप ही देख लीजिए, आप फेयर गेम खेल के भी आप विन कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। या तो फिर चीटिंग करके खेलोगे तो आपका लॉस ही आप होगा गाइस दोस्तों। सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपको चीटिंग कर दी है, अगर गलत तरीके से किया आप बात कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी खोल दे तो आप तो अच्छा है दोस्तों। तो आखिर में दोस्तों आपको मैं यही कहूँगा कि आप कंपनी के रूल्स को वॉलेट मत करें तो आपकी आईडी सेफ़ रहेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।